किसी कंटेनर में हाइड्रोजन रख के अगर उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जाता है तो वहां से एमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर उसी रेडिएशन को हम पास करते हैं एक प्रिज्म के थ्रू और उसे हम स्क्रीन में इंसिडेंट करवाते हैं तो स्क्रीन में हमें कुछ ऐसा लाइंस दिखते हैं। इन लाइंस को कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। चूंकि ये हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रल लाइन है तो इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन कहा जाता है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और चूंकि ये एमिट कर रहा तो हम कहेंगे ये है हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने काफी डिटेल्स में बात किया है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसके लिए आपको YouTube के सर्च बार में जाके लिखना होगा अब्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा EduPoint, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम है ये एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ था। पहली बार इन स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किए थे एक स्विस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट योहान जैकब बामर, इसीलिए इसे बामर सीरीज कहा जाता है। उन्होंने इन लाइंस पे काफी डिटेल्स में स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि ये जो पहला लाइन है इसका जो वेवलेंथ है ये 656 नैनोमीटर का है, दूसरे का 486, तीसरे का 434 और फिर 410 नैनोमीटर। और उसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था। उन्होंने ये पाया कि जो वेवलेंथ्स हैं, चाहे वो वेवलेंथ ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो या फिर ये हो, सब के लिए एक कॉमन फॉर्मूला हम बना सकते हैं। वो है 1/वेवलेंथ, जिसे कि हम वेवलेंथ का रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, इसे वेव नंबर भी कहा जाता है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1,09,677 इंटू 1/2² -1/n², इतना पर सेंटीमीटर। अब यहां पर ये जो n है इस n का वैल्यू होगा 3, 4, 5, 6 इस तरह से इंफिनिटी तक। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये जो पहला लाइन है, ये वाला लाइन जो है रेड कलर का जो लाइन है, इस लाइट का जो वेवलेंथ है वो है 656 नैनोमीटर। अगर यहां n के जगह 3 पुट किया जाए तो फिर जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली 656 नैनोमीटर के बराबर होगा। उसी तरह से n के जगह अगर 4 पुट किया जाए तो हमें मिलेगा 486 नैनोमीटर। उसी तरह से n के जगह अगर 5 पुट करें तो आपको मिलेगा 434 नैनोमीटर। उसी तरह से n के जगह पे अगर 6 पुट किया जाए तो हमें मिलेगा 410 नैनोमीटर। तो सिर्फ एक फॉर्मूला से हम सारे स्पेक्ट्रल लाइंस के जो वेवलेंथ है उन्हें हम पता कर सकते हैं। फिर आगे और भी इसी तरह के लाइंस खोजा गया। आप अगर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि बामर ने जो लाइंस देखा था वो विजिबल रेंज में था। यहां पर ये रेड कलर का है तो ये हमें दिखता है, ये लगभग वायलेट है तो ये भी हमें दिखता है, लेकिन इसके आगे जब वेवलेंथ और कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में आ जाता है और ये हमें दिखता नहीं है। तो इस तरह से आगे चल के बामर सीरीज जो है ये थोड़ा और बड़ा हो गया। यहां पर गौर करें कि हमने इससे पहले देखा था यहां पर n का वैल्यू 3 है, यहां पर n का वैल्यू 4, यहां पर 5, यहां पर 6, अब यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, इसी तरह से आगे और भी बहुत सारे क्लोजली पैक्ड लाइंस मिला। तो ये सारे लाइंस एक साथ मिलके बन गया बामर सीरीज। आगे चल के और भी साइंटिस्ट ने इस तरह के और अलग अलग सीरीज खोज निकाला था, जैसे कि लीमन ने एक सीरीज खोज निकाला था इसी तरह का, जो कि ऑब्वियसली अल्ट्रा वायलेट रेंज में आता है, इसे लीमन सीरीज नाम दिया गया। उसी तरह से अब इंफ्रारेड रेंज में भी लोगों ने बहुत सारे सीरीज खोज निकाला, जैसे कि पाशन ने जो खोजा था उसे पाशन सीरीज कहा जाता है और ब्रैकेट ने जो खोजा था उसे ब्रैकेट सीरीज कहा जाता है। इस तरह से और भी पीछे इंफ्रारेड रेंज में और भी बहुत सारे सीरीज खोजा गया, जैसे कि फुंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, इसी तरह से बहुत सारे सीरीज खोजे गए। अब जो है अलग अलग सीरीज, लीमन हो, बामर हो, पाशन हो या ब्रैकेट हो, इस तरह के अलग अलग सीरीज में एक सिमिलैरिटी है,
उस सिमिलैरिटी को खोज निकाला था एक स्वीडिश फिजिसिस्ट ने, जो कि थे योहानस रॉबर्ट रिडबर्ज। मैं यहां पर बार बार रिडबर्ज नहीं कहूंगा, मैं रिडबर्ग ही कहूंगा, वरना मेरी जीभ जो है वो पलट जाएगी और अगला वीडियो बनाने लायक मैं बचूंगा नहीं। तो रिडबर्ग ने खोज निकाला था एक कॉमन सा फॉर्मूला सब सीरीज के लिए, कॉमन फॉर्मूला। बामर ने क्या किया था, सिर्फ इस सीरीज के लिए एक फॉर्मूला पता लगाया था, जो फॉर्मूला यहां पर आपको दिख रहा है। लेकिन रिडबर्ग ने सारे सीरीज के लिए एक कॉमन फॉर्मूला खोज निकाला था। वो कॉमन फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि 1/λ, दैट मीन 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू एक नंबर, वही नंबर यहां पर भी आपको दिख रहा है, द सेम नंबर इंटू 1/(n1)² -1/(n2)² इतना पर सेंटीमीटर। यहां पर n1 और n2 क्या है, n1 है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, और n2 जो है ये है n1+1, n1+2, n1+3 इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब चलिए इसका मतलब एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, n1 का वैल्यू जब 1 होगा उस समय ये इंडिकेट करेगा लीमन सीरीज को। सो जब n1 का वैल्यू 1 होगा तो ये लीमन सीरीज को इंडिकेट करेगा, जब n1 का वैल्यू 2 होगा तो ये बामर सीरीज को, उसी तरह से जब n1 का वैल्यू 3 होगा तो वो पाशन सीरीज को, और जब n1 का वैल्यू 4 होगा तो वो ब्रैकेट सीरीज को इंडिकेट करेगा। अब देखिए, n2 का जो वैल्यू है वो होगा n1+1, फिर n1+2, फिर n1+3, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। मतलब लीमन सीरीज के लिए अभी n1 का वैल्यू 1 है तो n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगा। सो यहां पर n2 का जो वैल्यू है, यहां पर ये 2 होगा, इस जगह पे ये 3 है, इसके लिए ये 4 है, इसके लिए 5 है, एंड सो ऑन। अगर आप n1 के जगह पे 1 और n2 के जगह पे 2 पुट करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलेगा, जो वेवलेंथ आप पता करेंगे, वो एग्जैक्टली मैच करेगा इसके वेवलेंथ के। सिमिलरली n1 के जगह 1 और n2 के जगह जब 3 पुट करेंगे तो वो इस लाइन को इंडिकेट करेगा और एग्जैक्टली जो आपका वैल्यू आएगा वो इसके वेवलेंथ के बराबर होगा। अब जब n1 का वैल्यू 2 है तो वो बामर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस समय n2 का वैल्यू होगा 2+1, फिर 2+2, फिर 2+3 इस तरह से। मतलब यहां इस लाइन के लिए ये होगा 3 n2 का वैल्यू, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, एंड सो ऑन। बामर ने यही वाला इक्वेशन पता किया था। हम कह सकते हैं जो बामर इक्वेशन है, ये रिडबर्ग इक्वेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है। अब फिर आगे जब आप n1 का वैल्यू 3 और n2 का वैल्यू 4, 5, 6, 7 इस तरह से पुट करेंगे, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से आपको पाशन सीरीज का जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस है इसके लिए कोरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगा। सो उसी तरह से ब्रैकेट सीरीज के लिए ये 4 होगा, यहां से ये 5, ये 6, हम n2 लिख रहे हैं, 7, 8, एंड सो ऑन, ये n1 का वैल्यू 4 और ये सारे n2 के वैल्यूज। तो इस तरह से बामर इक्वेशन और रिडबर्ग इक्वेशन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए इन दोनों ने, ना तो बामर ने और ना ही रिडबर्ग ने, कोई एक्सप्लेनेशन दिया था। इसीलिए इन फॉर्मूलाज को कहा जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूलाज, और इसे एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने, और उसके बाद तो कमाल ही हो गया, हमें मिला बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ही एडवांस्ड वर्जन है। तो अगले वीडियो का हमारा मुद्दा भी यही होगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के, क्लास 11th के केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।